और यहाँ पे एक और शॉट क्षेत्ररक्षक के हाथों में जाता हुआ। ये देखिए खिलाड़ी झूम रहे हैं, दिल्ली के बेहद ही रोमांचक मुकाबला हो गया है। अब 20 रन अब भी दूर, आठवां विकेट गिरा है और अब दिल्ली ने इस मैच पर अपना शिकंजा कस लिया है। अब वापसी हुई है दिल्ली की, मात्र 8 गेंदें शेष इस मुकाबले में और कटिहार को जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता। सूरज रहते तो 3 छक्के लगा सकते थे। कौन है यहां जो 3 छक्के मारेगा? ये विनिंग मोमेंट है फिर से, मैं क्योंकि शतक लगने के बाद मेमोरी फुल हुई, कुछ मैंने डिलीट कर दिया है पिछली रिकॉर्डिंग। विनिंग मोमेंट बना रहा हूं मैं, आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं, मेरा चैनल है पीएन शेखर के नाम से, सब्सक्राइब करें। और रवा तबसरा आपकी खिदमत में जो पेश किया जा रहा है आज़ाद कप के जरिए, सुशील कुमार आज़ाद के जरिए, वो आप देख सकते हैं। 245 8 विकेट के नुकसान पर 8 गेंदें बची हैं और 20 रनों की आवश्यकता। चंदन है नए बल्लेबाज आदित्य, एक करारा पहाड़, ये गेंद रुकने वाली नहीं है, अब भी मुकाबले में जान है, अब भी मुकाबले में दम है, क्योंकि अब जीतने के लिए चाहिए 16 रन। 7 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। मित्रों जोरदार तालियां रोमांचक मुकाबले के लिए, क्या लाजवाब मुकाबला खेला जा रहा है, शानदार शानदार। चंदन राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर अमित रंजन को पार करते हुए, ये करारा प्रहार, क्षेत्र रक्षक पीछे रह जाएंगे। एक और चौका निकलता हुआ और इसी के साथ ओवर संपन्न हुआ है 253 पर। 6 गेंदें बची हैं और जीतने के लिए 12 रन बचे हैं। मैं अपने हाथों में अब ये रिकॉर्डिंग आखिरी ओवर लेकर करूंगा ताकि दर्शकों को भी मैं दिखा सकूं कि कितने दर्शक आए हैं आज। जी बिल्कुल, आप खुद को देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, मैं सारे दर्शकों को दिखा रहा हूं फूल परास में। कितने दर्शकों, देखिए झील की तरफ क्लोज करके मैं दिखा रहा हूं और उधर सामने जहां पर से लोग आते हैं इस ग्राउंड में इन करते हैं, और वो सामने की तरफ जहां पे सुशील कुमार आज़ाद का एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें दिखाई पड़ रहे हैं। ये साइड स्क्रीन, ये पिच, सामने मंच जहां पे हमारे परम आदरणीय विद्वान अतिथि बैठे हुए हैं, और इधर ये पेवेलियन। सारा माजरा, आखिरी ओवर मैं कैद कर रहा हूं यहां पर अपने हाथों में लेकर, थोड़ी से बाउंस के लिए मुझे माफ करेंगे, झेलेगा। 6 गेंदों में जीतने के लिए 12 रन चाहिए, प्रत्येक गेंदों पर 2 रन, 3 चौकों की जरूरत, 2 छक्कों की जरूरत जीतने के लिए यहां पर कटिहार की टीम को। मृत्युंजय राइट आर्म ओवर द विकेट, और यहां पर 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा शायद दोनों बल्लेबाजों को। और जब तक गेंद फील्ड होती, हाथों में आती, विकेट कीपर के दास्तानों में समाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और अब 5 गेंदों में जीतने के लिए कटिहार टीम को चाहिए कुल 11 रन, हाथों में विकेट बचे हैं मात्र 2। एक विशाल जनसैलाब, हुजूम चारों तरफ से, और यहां पर डॉट बॉल कराया है, डॉट बॉल कराया है, 4 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए कटिहार की टीम को 11 रन। अब भी 254 कटिहार 8 विकेट के नुकसान पर, जबकि 264 रन बनाया था दिल्ली की टीम ने और जीतने के लिए 265 रन बनाने थे यहां पर कटिहार की टीम को, उनकी रन संख्या 254। मृत्युंजय राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए एक शॉट, करारा शॉट, लेकिन क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद हैं। 1 ही रन लेना पड़ेगा, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा, और यहां पर अब मुकाबला और भी रोचक नजदीक पहुंच चुका है। 3 गेंदें बची हैं
10 रन जीतने के लिए चाहिए। ये देखिए मैं स्कोर बोर्ड दिखा रहा हूँ, वहाँ पर शंभू जी मौजूद हैं, यहाँ पे हमारा कमेंट्री बॉक्स, ये बिहार इम्पोरियम वाले, इनका बहुत जल्द खुलने वाला है। विमल जी ये चेहरा ये देख ले बड़ा खूबसूरत। और यहाँ पर अब चलता हूँ मैं फिर से यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए, रिकॉर्डिंग हो रही मेरी, आखिरी क्षण आखिरी लम्हा, 3 गेंद जीतने के लिए 10 रन, मृत्युंजय के सामने होंगे बल्लेबाज आदित्य। आदित्य के लिए लंबे चौड़े कदकाठी के आदित्य के लिए, ये हरियाणा का जाट, ये हरियाणा का छोड़ा, राइट आर्म ओवर द विकेट, और यहाँ पे लंबा शॉट, लंबा शॉट, लंबा शॉट, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे है, और यहाँ पे देखिए ये रोमांचक मुकाबला, छक्के का इशारा आता हुआ, और ये देखिए पेवेलियन में कितनी खुशियां हैं, और उधर मैं दिखाता हूँ दूरदर्शकों को कितने खुश हैं, और हमारे शंभू जी भी इस रोमांचक मैच का आनंद ले रहे हैं। 2 गेंदों में जीतने के लिए अब रनों की जरूरत, मात्र 4 रन, 2 गेंद 4 रन, क्या होगा यहाँ पर। आखिरी क्षण मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी मेमोरी मेरे साथ अगर है तो ये लाजवाब क्षण होंगे मेरे लिए। मृत्युंजय और यहाँ पर गेंद को ड्राइव किया है कवर की दिशा में, और एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। अब भी गेंद बची यहाँ पर आखिरी, और आखिरी गेंद में जीतने के लिए 3 रन चाहिए, हर हाल में चौका मारना होगा। आखिरी गेंद 3 रन, दर्शकों चीखिए चिल्लाइए शोर मचाइए, और खुद को देखिए यूट्यूब चैनल पीएन शेखर पर, ये देखिए 10,000 की भीड़, ये हुजूम, ये जनसैलाब, सुशील आजाद का महान आयोजन, आजाद कप का ग्रुप बी का प्रथम मुकाबला बेहद ही रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद में कटिहार को जीतने के लिए चौके की जरूरत, मृत्युंजय, और ये शॉट निकला है, क्षेत्ररक्षक वहां पे मौजूद हैं, 1 रन के लिए गए हैं, 2 रन के लिए दौड़ लगाई जा रही है, और इसी के साथ यहां पर दिल्ली ने बेहद ही रोमांचक तरीके से इस मुकाबले को जीत लिया है, मात्र 1 रन से जीत हासिल की यहां पर दिल्ली ने, 264 रन बनाया था दिल्ली ने, और 263 रन पर आकर रुक गई कटिहार की टीम, बेहद ही रोमांचक मुकाबला जीता है यहां पर दिल्ली की टीम ने, और सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। दर्शक जाने शुरू हो गए हैं, लेकिन जाते हुए दर्शक इस लम्हे को मेरे YouTube चैनल पर आप जरूर देखें, मेरा चैनल पीएन शेखर के नाम से है, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, और आज की इस विनिंग मोमेंट को, आज के इस जीत के लम्हे